हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग, ये बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से तैयार करना है और किस किस टॉपिक पे तैयार करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगा कि बस ये 5 आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लो, आप बोर्ड के पेपर में आसानी से छाप के आ जाओगे, ठीक। और अभी कभी 10 नंबर अपने झोली में करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखो, वीडियो को लाइक कर दो, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि 5 आर्टिकल राइटिंग किस किस टॉपिक पे तैयार करके जाना है जो बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। देखो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल राइटिंग है आपके बोर्ड के पेपर में 2022 के बोर्ड के पेपर में, यानी कि जो आपका 30 तारीख का पेपर है उसमें आएगा, ठीक ना। और ये जो आएगा 10 नंबर का आएगा, तो 10 नंबर मजाक में मत लेना, ठीक ना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहला आपको तैयार करके जाना है तो इस वाले टॉपिक पे तैयार करके जाना है। देखो, मैं आप सभी के लिए इतना टॉपिक लेके आया हूँ, 5 टॉपिक, और 5 टॉपिक का अगर आप तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका कोई नहीं काट सकता है, ठीक ना। सबसे पहला टॉपिक तैयार करना है आपका, इन दिस ईयर टू केम यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 18th बर्थडे, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स इन द जॉय एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेइंग 18, ठीक। देखो, कहने का मतलब यह है कि अपने 18वें बर्थडे पे एक आर्टिकल राइटिंग तैयार करो, और किस टॉपिक पे तैयार करना है, जॉय और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने बर्थडे को बहुत ही अच्छे ढंग से इंजॉयफुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए किस तरीके से इंजॉय करोगे उसके बारे में आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग लिखना है। तो सबसे पहले देखो, आर्टिकल राइटिंग लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। जैसे सबसे पहले टाइटल लिखना होता है या हेडिंग लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हेडिंग इसका क्या होगा, आई एम 18, मैं 18 का हो गया हूँ या हुआ हूँ, चाहे मैं 18 का हूँ, ठीक, या चाहे मेरा साल 18 साल का हो गया है, ठीक। इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे देखो, आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देख लो, किसी भी आर्टिकल राइटिंग लिखने का एलिमेंट यहाँ पे 4-5 होते हैं। सबसे पहले टाइटल या हेडिंग, नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम क्या है। तो अपना यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया रहेगा कि यू आर नवजेत या नविता, ठीक। एक एक लड़की का नाम दिया रहेगा, एक लड़का का नाम, तो जो लड़की होगी यहाँ पे लड़की वाला नाम लिख देगी, और जो लड़का होगा वो लड़का वाला यहाँ पे लिख देना, ठीक। सबसे पहले क्या लिखना है, टाइटल लिख दिया यहाँ पे, आई एम 18, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे नाम लिख दोगे, जो नाम यहाँ पे लिख दो, बाई कुछ भी यहाँ पे लिख दोगे अपना नाम, या जो यहाँ पे नाम दिया रहेगा उसका। उसके बाद करना क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय दे दो हेडिंग में, फिर यहाँ पे कंटेंट लिख देना, फिर इसका एंडिंग कर देना, और लास्ट में इसका कंक्लूजन दे देना, ठीक, यानी उपसंहार जो भी होता है, ठीक। इस तरीके से तो सबसे पहले अपना बर्थडे वाले चीज़ पर तैयार कर लेना। और सेकेंड आता है आपका इस वाला, राइजिंग पॉल्यूशन पे। देखो, जो राइजिंग पॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करके जाना वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक। राइजिंग पॉल्यूशन, फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव लाइफ स्टाइल, लैक्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड ETC, हाई कॉस्ट हेल्थ वॉज फॉर ए लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉल्यूशन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर यूज टू बी ए चैरिटेबल एंड इथिकल एक्टिविटी, टूडे इट हैज बिकम कमर्शियबिलिटी ए मनी स्पिनिंग बिजनेस, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दे दिया है क्या, देखो आप क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे देखो, ये जो लाइन दिख रहे हो, हाउ टू लेकर के यहाँ से यहाँ तक, हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, कॉमन मैन के लिए किसी भी हेल्थ केयर को, प्रॉपर हेल्थ केयर के लिए किस तरीके से आप उसको, आप चीज़ों को कंटिन्यू करोगे उसके बारे में क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग करना है, ठीक ना। तो ये आपका टॉपिक हो गया, टॉपिक का नाम हो गया, राइटर का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। राइटर का नाम आपका नवजोत या कुछ भी दे देगा, एक लड़का और एक लड़की का नाम, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, कंटेंट लिखोगे, एंडिंग लिखोगे, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। इस तरीके से आपको आर्टिकल राइटिंग इस पॉल्यूशन वाले पे तैयार कर लेना है। अब चलिए तीसरा वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वाले पे, कि राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया ए केयर फ्री एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वुमेन। देखो,
ये जो आर्टिकल राइटिंग है बोर्ड के पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है, यानी कि किसी भी औरत के लिए स्वतंत्रता और उसका इंजॉय करने के लिए। देखो आजकल स्त्रियों में घूमना और यहाँ पे स्त्रियाँ आजकल इंडिया में इतना करप्शन हो गया है कि वो फ्री नहीं है, कहीं पे जाने से वो डरती है। तो इसके बारे में क्या करना है आपको, आर्टिकल राइटिंग 100 से लेकर के 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे देखो चौथा आर्टिकल राइटिंग जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वन वे इन विच द मेक्स अस फील प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ इट इज द नंबर ऑफ फेस्टिवल वी इंजॉय। इंडिया में बहुत सारे त्यौहार हैं जो कि हम लोग मनाते हैं। राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो जो कामा में दिया गया है उसी के बारे में क्या करना है आपको, आर्टिकल राइटिंग लिखना है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिया में त्यौहार कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से मनाए जाते हैं, क्या क्या होते हैं उस पर, इस पर सारे के सारे हमको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग करना है। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको क्या करना है, आर्टिकल राइटिंग करना है, ठीक है। तो जितना मैं यहाँ पे अभी के अभी सभी के सभी यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग बताया हूँ, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबको आपको तैयार करके जाना है अगर आप 10 नंबर की तैयारी करना चाहते हो वाकई में, तो ठीक ना। बोर्ड के पेपर को फोड़ना चाहते हो तो शुरू से एंड तक यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे चीज़ों को तैयार करके जाना है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।